15 अक्टूबर तक भेज सकते हैं वीडियो एंट्री। फ्यूचर सोसाइटी और LIC द्वारा प्रायोजित एवं IDBI बैंक के सह प्रायोजन से डिजिटल बाल मेला 2021 में अब तक बच्चे 30 सितंबर तक अपनी एंट्री सबमिट कर सकते थे, लेकिन बच्चों की सरकार कैसी हो में बच्चों का राजनीति के विषय में रुझान देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब देश भर के बच्चे डिजिटल बाल मेला को 15 अक्टूबर तक अपनी वीडियो एंट्री भेज सकते हैं। क्या मोदी सरकार एक अच्छी सरकार है? क्या केजरीवाल सरकार सबसे अच्छी? जी हाँ, जैसा कि देश भर के बच्चे अपनी वीडियोस में सरकार के प्रति अपने विचार, सुझाव, राय साझा कर रहे हैं, उसे देखकर साफ तौर पर जाहिर है कि बच्चे इन दिनों अपनी सरकार से मन की बात करने के लिए कितने उत्सुक हैं। बाल राजनीति में शामिल होने के लिए ये बच्चे कितनी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में बच्चों की बात को सुनने वाला देश का पहला नवाचार डिजिटल बाल मेला सीजन 2 हर बच्चे की बात को सम्मान दे रहा है। इसमें पला जादू, मैं तखन से रिद्धि होगी, मैं शगुन नेगी, मैं पला गोइंका पब्लिक स्कूल में अध्ययनरत कक्षा 8वीं की छात्रा। कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे, इसलिए बच्चों की वीडियो एंट्री की तारीख 15 दिन बढ़ा दी गई है। बच्चों के पास एक बार फिर से डिजिटल बाल मेला की तरफ से बड़ा मौका है। ऐसे में राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र, असम, बिहार, कोलकाता, दिल्ली, गुजरात जैसे देश के सभी राज्यों से बच्चे जुड़ रहे हैं। अपनी वीडियो में बच्चे सरकार से किसी भी प्रकार की बात कर सकते हैं, अपनी परेशानियां बता सकते हैं, अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, सरकार को किसी योजना के विस्तार के बारे में सुझाव दे सकते हैं, और यदि बच्चे के पास सरकार के लिए किसी प्रकार का कोई विचार है तो साझा कर सकते हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी साहब से निवेदन करता हूँ कि राजस्थान में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। वही ऐसे में यदि बच्चों को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो बच्चे देश के लिए क्या करेंगे? अगर मैं बच्चों की सरकार में मुख्यमंत्री बनता हूँ, क्या नीतियाँ, क्या योजनाएं बनाएंगे? मेरा सबसे पहला काम होगा कि सभी बच्चों के विकास और उज्जवल भविष्य के लिए योजनाएं बनाऊं। इस पर भी अपनी राय साझा कर सकते हैं। बच्चों की सरकार कैसी हो, ये स्कूल के बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता है। जीतने वाले बच्चे को 21,000 रुपए का इनाम मिलेगा। इसमें 6 से 16 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। विजेता बच्चे 14 नवंबर को विधानसभा में शामिल होंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वीडियो बनाकर भेजना है 800-591-5026 पर। आपका वीडियो व्हाट्सएप करना है या www.digitalbalmela.com पर स्कूल के नाम के साथ रजिस्टर करें। याद रहे, प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है, जिसकी अवधि 15 जून 2021 से 15 अक्टूबर 2021 है। डिजिटल बाल मेला का मकसद है प्रतिभावान बच्चों को मंच देना, बच्चों के मन की बात सुनना और बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर देना है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. CP जोशी ने बच्चों की राजनीतिक समझ बढ़ाने के लिए ये काम बच्चों को सौंपा है। सरकार को सुझाव देने के साथ साथ बच्चे राजनीतिक प्रश्नोत्तरी में भी भाग ले सकते हैं, डिबेट में अपने तर्क दे सकते हैं और ऑनलाइन सत्रों में राजनेताओं से सीधे संवाद कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है तो दिए गए वेबसाइट लिंक पर क्लिक करें और अपनी वीडियो बनाकर डालें। वीडियो कैसे बनाएं? अगर ये सवाल आपके मन में है तो ये वीडियो देखें।
Myself Palak from class 8, and today I'm going to tell you little bit about world's bamboo tree. डिबेट का विषय है क्या केजरीवाल सरकार सबसे अच्छी, क्या शिवराज सिंह चौहान है सबसे सरल मुख्यमंत्री। डिजिटल बाल मेला से जुड़े किसी भी जानकारी के लिए सोशल मीडिया पेज को देखें। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे पलों का इंतजार होता है।